यार ब्रॉक लेसनर हमारे सारे लोगों ने ऐसी बदनाम कर रहे हैं कि इस बंदे के अंदर दिल नहीं है, ये दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता। आपको याद होगा रेसलमेनिया 30 काफी बड़ा इवेंट था WWE का, क्योंकि वहां पर अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी जो कि तोड़ी थी ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर मैच खत्म होने के बाद बैक से जाते हैं और वो सिर्फ अंडरटेकर के इंतजार में थे क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे। इवन गाइस अंडरटेकर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है इस मैच से कि पूरे मैच में क्या हुआ अंडरटेकर को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैच में एक ऐसा स्पॉट होता है शुरुआती 5 मिनट के अंदर ही कि अंडरटेकर को मैच का कुछ याद नहीं रहा। इवन जब हॉस्पिटल पहुंच गए थे अंडरटेकर, उसके बाद रात के 4 बजे जाके होश आता अंडरटेकर को कि उनका नाम क्या है, ये तक उनको नहीं पता था। और ये बात खुद अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैकूल ने बोली, ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन, ये सारे लोग अंडरटेकर को हॉस्पिटल देखने गए थे और सच में काफी सारे लोगों ने पहली बार देखा कि ब्रॉक लेसनर किसी के लिए इतना ज्यादा कंसर्न है। और इससे हमको पता चलता है कि अंडरटेकर की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इवन ब्रॉक लेसनर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग WWE से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।